आज मैं आपको ऐसे खतरनाक डिफरेंसेस बताऊंगा शरीर और आत्मा के बीच में, जो मे भी आपने कभी सुने ही नहीं रहेंगे। पहला डिफरेंस डेफिनेशन में ही है। शरीर, शरीर का मतलब क्या है? शीर्यते इति शरीरम, जो जाने वाला है, जो डिसइंटीग्रेट होने वाला है, उसको शरीर बोलते हैं। तो आपको अर्थ से ये क्लियर हो गया, जो जाने वाला है उसको शरीर बोलते हैं, और आत्मा मतलब मैं, यही ध्यान में रखो, मैं मतलब आत्मा। मैं कभी जाता है क्या? मैं कभी जाता नहीं। शरीर हर क्षण को बदल रहा है, आपको दिख रहा है, शरीर हर क्षण को जा रहा है, शरीर गतिमान है, लेकिन मैं बदल रहा है नहीं। जो 1 साल का था शिशिर, वही आज का है। जिसको हम शिशिर बोल रहे थे वो तो बदल रहा है हर क्षण को। तो आत्मा जो है वो मैं होता है या सेल्फ होता है, शरीर मतलब ऐसी चीज जो जाने वाली है। दूसरा भयानक पॉइंट, मेरे गुरु मेरे को बताते थे, शरीर का स्वभाव है अच्छे का गंदा करना, आत्मा का स्वभाव है गंदे का अच्छा करना। हम शरीर में एप्पल डाले, पिज्ज़ा डाले, स्ट्रॉबेरी डाले, कुछ भी डाले, उसका शरीर क्या बनाता है? उसका शरीर बनाता है विष्ठा। तो आप शरीर में कुछ भी डालो, कोई भी साइंटिस्ट बोल नहीं सकता कि शरीर ने उसका कुछ अच्छा किया है। तो शरीर का स्वभाव है हर एक अच्छी चीज जो उसके अंदर डाल रहे हैं उसका गंदा करना, उसको सड़ा देना, उसको खत्म कर देना। तो शरीर का स्वभाव अच्छे का गंदा करना। और ऐसे गंदे शरीर को, जो मैंने आपको बोला था प्रेशर कुकर फॉर पिक्स, सुअर का जो प्रेशर कुकर है, इतना गंदा चीज, वो गंदी चीज आपको कितनी अट्रैक्टिव लगती है? भाई क्या अच्छी लड़की है, इससे एक बार शादी हो जाए तो मेरी लाइफ सेट, इतनी सुंदर लड़की मैंने लाइफ में नहीं देखी। तो मतलब जो आपको सुअर का प्रेशर कुकर है, देखो लड़के का शरीर भी सुअर का प्रेशर कुकर होता है, समझे, नीचे कमेंट मत करो फेमिनिस्ट लोग। तो ये जो गंदी चीज है प्रेशर कुकर फॉर पिक्स, ये आपको कितनी सुंदर लगती है क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। तो आत्मा का स्वभाव है प्रेशर कुकर फॉर पिक्स का एक सुंदर स्त्री में कन्वर्जन, गंदे का अच्छे में कन्वर्जन। तो यहां पे प्रूव होता है शरीर का स्वभाव है अच्छे का गंदा करना और आत्मा का स्वभाव है गंदे का अच्छा करना। ये पॉइंट आपने कभी सुना नहीं रहेगा, समझे। ये पॉइंट आपको कब मिल सकते हैं? जब आप किसी ट्रेडिशनल गुरु के पास सीखते हो। आपको ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त लगा है, आपको अगर लगता है कि इस पॉइंट से आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है, मज़ा आ रहा है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। आप लड़की का लाइट बिल भरते हो, सिलेंडर लाते हो, उससे घर में झाड़ू मारते हो, समझे, उससे आपको कुछ मिलता नहीं है। मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ भैया के लिए, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करो। थर्ड पॉइंट इज शरीर का स्वरूप वर्सेस आत्मा का स्वरूप। पहले हमने स्वभाव देखा, अब हम स्वरूप देख रहे हैं। शरीर का स्वरूप क्या होता है? असत, अचित और निरानंद। आत्मा का सत, चित, आनंद। अब शरीर जो है वो असत है और आत्मा सत है, क्योंकि देखो शरीर मतलब एग्जैक्टली क्या है? अ लंप ऑफ केमिकल्स को जो एक शेप मिल जाता है ना, उस शेप को हम शरीर बोल देते हैं। तो शरीर मतलब एग्जैक्टली एक चीज नहीं होती है कोई, जिसको हम स्पेसिफिकली दिखा सकते हैं सेपरेटली, समझे। एक शेप को हम शरीर बोल देते हैं, ये शेप जो है इसको हम शरीर बोल देते हैं, लेकिन आत्मा जो है वो सत है। ये शेप ना होने के बाद भी आत्मा एग्जिस्ट करता है, इसके लिए आत्मा सत और शरीर असत। दूसरा, शरीर जो है अचित है, आत्मा चित है। देखो जिस सुंदर लड़की से आप अट्रैक्ट हो रहे हो, उसकी सुंदरता वो शरीर की है या आत्मा की है? वो सुंदरता आत्मा की है। आपको ज्ञान वहाँ पे आत्मा का हो रहा है, आत्मा ही सत्यम शिवम सुंदरम है, इसके लिए आपको वो लड़की या शरीर सुंदर लग रहा है। अगर वो शरीर सुंदर था तो उसके अंदर से जब आत्मा निकल गया, तब आप उससे शादी करने को तैयार क्यों नहीं थे? उसको आप हग क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो सौंदर्य या सुंदरता शरीर का नहीं था, आत्मा का था। तो ज्ञान जो होता है वो सुंदरता का हो या किसी और चीज़ का भी, वो आत्मा का होता है शरीर के माध्यम से। तो शरीर अज्ञान स्वरूप है और आत्मा ज्ञान स्वरूप है। सो शरीर इज अचित एंड आत्मा इज चित। और थर्ड पॉइंट, शरीर निरानंद है और आत्मा आनंद है। अभी हमने डिस्कस किया कि जब वो लड़की को आप हग कर रहे थे तभी आपको आनंद आत्मा का आया, क्योंकि डेड बॉडी को हग करने से आनंद नहीं मिलता है। तो शरीर में आनंद नहीं है, वो आनंद आत्मा का है, इसकी वजह से शरीर निरानंद हो गया और आत्मा आनंद हो गया। सो शरीर क्या है? असत, अचित, निरानंद और आत्मा सत, चित, आनंद। नेक्स्ट, हम शरीर को देख सकते हैं
लेकिन आत्मा को नहीं देख सकते हैं। क्यों? जो हम हैं उसको हम देख नहीं सकते, और जो हम नहीं हैं उसको ही हम देख सकते हैं। जो जो हमको दिखता है वो हम नहीं होते, और जो देखने वाला है वो हम होते हैं। तो इसकी वजह से आत्मा हमको कभी दिखता नहीं, क्योंकि वो हम खुद हैं। और शरीर जो है वो हमको दिख सकता है, क्योंकि हम शरीर है ही नहीं, हम शरीर को देखने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी एग्जिस्ट बिकॉज आत्मा एग्जिस्ट। आत्मा कैन एग्जिस्ट इवन इफ बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट। आत्मा है इसके लिए शरीर है, शरीर है इसके लिए आत्मा नहीं है। हमारा एक मिसकंसेप्शन है, मर जाऊंगा तो मैं रहूंगा ही नहीं। हमको लगता है कि शरीर है इसके लिए मैं हूं, पर ये उल्टा है। मैं हूं इसके लिए शरीर है भाई, मरने के बाद आत्मा निकल जाता है दूसरे शरीर में। तो शरीर की वजह से आत्मा नहीं है, आत्मा की वजह से शरीर है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आत्मा नहीं रहेगा तो हम शरीर को फेंक देते हैं, लेकिन अगर शरीर नहीं रहेगा तो भी हम आत्मा को एक्सेप्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको ये पॉइंट ठीक लगता रहेगा। देखो, आपको देखने से ट्रुथ पता चल जाता है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये कोई फिलोसॉफिकल चीज़, एकदम डीप कोई थिंकिंग करने वाली चीज़ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ जो अपने लाइफ में दिख जाता है, थोड़ा सा हम अगर हमारा स्पेक्ट्रम जो है देखने का वो वाइड कर दे तो। देखो, ये तो अपने को क्लियर है कि शरीर हम फेंक देते हैं, जला देते हैं, गाड़ देते हैं, अगर उसमें से आत्मा गायब हो जाए या निकल जाए या आत्मा दिखना बंद हो जाए। लेकिन शरीर के बिना भी हम आत्मा को प्रेम करते हैं, हम आत्मा को एक्सेप्ट करते हैं। हमको आत्मा को एक्सेप्ट करने के लिए शरीर की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि जब कोई स्त्री होती है, वो जब गर्भवती होती है या गर्भवती होने वाली है, तो वो बच्चा दुनिया में आने के पहले ही, उसको 1 mm का भी शरीर मिलने के पहले ही उस माँ का उस बच्चे के ऊपर प्यार है। मतलब माँ का उस बच्चे के ऊपर प्यार कब से है? जब से उसका शरीर भी नहीं बना। मतलब माँ को प्यार करने के लिए उस बच्चे का शरीर इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे प्रूव होता है कि आत्मा को प्यार किया जा सकता है शरीर के बिना। लेकिन कोई भी शरीर हो, इवन वो माँ भी, अगर उस शरीर में से आत्मा गायब हो जाए, एक गाय देखो या एक ह्यूमन स्त्री देखो, वो उस शरीर को जलाने के लिए ना नहीं बोलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू वॉन्ट टू गेन हैप्पीनेस फ्रॉम बॉडी, यू नीड एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। बाहर से कोई सोर्स ऑफ हैप्पीनेस लगता है, लेकिन आत्मा से आनंद प्राप्त करने के लिए आपको बाहर का सोर्स नहीं लगता है। वन सेकेंड, ट्रिकी कुछ नहीं है भाई, इसमें ट्रिकी कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप देखना चालू कर दोगे ना, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको खाने का आनंद लेना है तो बाहर से ही आपको कोई पाव भाजी उठानी पड़ेगी। अगर आपको देखने का आनंद लेना है, समझे, आप मूवी देखने जाओगे या लैपटॉप पे मूवी देखोगे, फिर से बाहर का सोर्स है। तो आपको शरीर के माध्यम से अगर आनंद लेना है तो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज ऑलवेज आउटसाइड। लेकिन अगर आपको आत्मा से आनंद लेना है तो यू डोंट नीड टू गो आउटसाइड। कैसे? जब आप नींद में होते हो, जब आप नींद में होते हो, तभी आप शरीर से अलग होते हो, मन से अलग हो जाते हो। क्योंकि शरीर में कितना भी पेन होने दो, नींद में फील नहीं होता, मतलब आप शरीर से डिटैच हो गए। लेकिन आप जब उठते हो तब आप बोलते हो कितना मजा आया, आनंद हो गया, फ्रेश लग रहा है, क्योंकि नींद में आपको बहुत आनंद मिल रहा था। तो नींद में शरीर था क्या? नींद में शरीर नहीं था, फिर भी आपको आनंद मिला, और ऐसा आनंद जिसको आप कभी ना नहीं बोलते हो। आज तक आप 20, 25, 30, 40, 50 साल रोज सो रहे हो, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जिसने मेरे को ऐसा बताया कि यार 30 साल, 40 साल, 50 साल में सो रहा हूँ, अब बस हुआ, मैं बोर हो गया सोने से। तो आत्मा का जो आनंद है आपको नींद में मिल रहा है विदाउट शरीर, वो ऐसा आनंद है जो खत्म ही नहीं होता, जिसको आप ना कभी बोलते नहीं। तो आत्मा से आनंद प्राप्त करने के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, आत्मा एक ही होता है, शरीर अनेक हो सकते हैं। अब आप अगर पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करोगे तो भी देखो, बचपन से आज तक आपका शरीर हर क्षण बदला है, तो इसका मतलब करोड़ों बार आपका शरीर बदला है, क्योंकि हर क्षण को बदल रहा है। एक क्षण के पहले जो आपका शरीर था वो अभी नहीं है, मतलब शरीर अनेक मिले आपको इस जन्म में भी, लेकिन आत्मा एक ही है जो आप खुद हो। तो मैं जो है, जो आत्मा है वो एक ही है, और शरीर अनेक हो सकते हैं। अब एक बहुत ही ढांसू पॉइंट, शरीर इज फंजिबल, आत्मा इज नॉट फंजिबल।
अगर आप फाइनेंस में हो तो आपको पता है फंजिबल का मीनिंग क्या है। फंजिबल मीन्स रिप्लेसिएबल। अब आप देखो, आपके पास अगर 10 रुपये की नोट है और मेरे पास भी 10 रुपये का कॉइन है, तो मैं अगर आपको कॉइन दे दूँ 10 रुपये का, तो आप नोट ले लोगे, क्योंकि वो 10 रुपये का नोट और ये 10 रुपये का कॉइन, इनकी कीमत सेम है, अलग अलग नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ आत्मा ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति की माँ बीमार है या कुछ उसका एक्सीडेंट हो गया या उसके माँ का फेज चल गया, ऐसा कभी नहीं हो, मैं प्रे करता हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, उस व्यक्ति को बोल दिया जाए कि तुम्हारे माँ की फेस की प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी, तुम्हें चलेगा क्या? वो बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी माँ तो रहेगी ना। तो यहाँ पर वो एक ही चीज़ सोच रहा है कि फेस बदलने दो, पूरा बॉडी बदलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी माँ तो वहीं पर है ना। मतलब वो कहाँ पे देख रहा है? आत्मा की तरफ। लेकिन अगर आपको उसी माँ के अंदर का आत्मा बदल दिया जाए, कोई और आत्मा उसके अंदर डाल दिया, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे? आप बोलोगे अरे शरीर तो वही दिख रहा है, लेकिन ये अंदर व्यक्ति है कौन? ये तो कोई अलग ही व्यक्ति है। आई कैनॉट एक्सेप्ट दिस पर्सन, क्योंकि मैंने जिसको प्यार किया और जिसने मुझे प्यार किया वो ये व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पे आप अटैचमेंट आत्मा से रखते हो, तो आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते आत्मा से, आपको आत्मा वही चाहिए, लेकिन शरीर आप बदल सकते हो। तो शरीर इज़ फंजिबल या रिप्लेसिबल, लेकिन आत्मा इज़ नॉट रिप्लेसिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, हम ऐसे व्यवहार में बिहेव करते हैं, जो बोलते हैं कि हम आत्मा नहीं है, हम शरीर हैं, वो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, वो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आत्मा हम है, शरीर नहीं है, ये व्यवहार से ही प्रूव होता है, इसके लिए कोई शास्त्र की जरूरत नहीं है। और शास्त्र मतलब है क्या? हम जो व्यवहार में देखते हैं आँख खोल कर, वो शास्त्रों में लिख दी जाती है। इट मीन शास्त्रों में ऐसी चीज़ें दी है जो हम आँख खोल कर देखना चालू करते हैं तो दिख जाएगी। लास्ट डिफरेंस है जालिम माशूका वर्सेस पतिव्रता पत्नी। तो देखो, ऐसी लड़कियां आपके लाइफ में आ सकती है जो सिर्फ आपके पैसे के लिए आपके साथ है, आपका जब पैसा ख़त्म हो गया वो आपको लात मार के निकल जाएगी, या उसको अगर पता चल गया कि उसको चांस है ऐसे व्यक्ति से शादी करने का या रिलेशनशिप में जाने का जो आपसे ज़्यादा पैसा रखता है, वो आपको लात मार के निकल जाएगी। तो आप कितना भी उसको अटेंशन दो, वो आपके साथ रहने की गारंटी नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, उसका फोकस आपके पैसे पर है। लेकिन पतिव्रता स्त्री या इवन आज की भी कोई पत्नी, स्पेशली भारत की पत्नी, बाहर का तो गारंटी नहीं रहता है। बाहर व्यक्ति आज सुबह बाहर निकल जाए तो शाम को उसकी पत्नी घर में रहेगी या नहीं, उसकी गारंटी नहीं रहती है। तो आज भी एक टिपिकल भारतीय स्त्री जो है वो पति की हर एक सिचुएशन में मदद करती है, उसके साथ किसी भी सिचुएशन में रहने के लिए तैयार होती है। तो यह है पतिव्रता स्त्री। वैसे ही आप कितना भी प्रयत्न करो, आपका जो हरामी शरीर है एक दिन आपको 100% छोड़ के निकल जाने वाला है, और ये आपको ऑलरेडी मालूम है कि एक दिन ये शरीर छोड़ के निकल जाने वाला है, लेकिन मुझे नहीं पता आप और मैं उसके बाद भी इसको इतना प्यार क्यों करते हैं। एट द सेम टाइम अनलिमिटेड जन्मों से जो पतिव्रता स्त्री है या पतिव्रता पत्नी, अपनी आत्मा जो है इतने सारे शरीर छोड़ने के बाद, बदलने के बाद अपने साथ है, हर एक जन्म में उसको ये दिखता है कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे को प्यार नहीं करता है, आत्मा को प्यार नहीं करता है, हर बार शरीर को प्यार करता है। हर एक जन्म में ये एक नई गर्लफ्रेंड बनाता है, और आज तक ऐसा एक भी जन्म नहीं हुआ जहाँ पे इसने मेरे पे प्यार किया। मतलब अनलिमिटेड जन्मों से हमने कभी भी उस पत्नी को, मतलब उस आत्मा को प्यार नहीं किया, फिर भी वो हमारे साथ आज तक है। तो आप मेरे को बताओ कि हमने किसको भाव देना चाहिए, जालिम माशूका को या पतिव्रता पत्नी को? तो नसीब से मुझे मेरे गुरु ने बताया, और मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अनलिमिटेड जन्मों से हम गर्लफ्रेंड बदलते आए हैं और आज तक खुश नहीं हो सके। तो एक बार इस जन्म में हम उस पतिव्रता पत्नी के पास देखें, उस आत्मा के पास देखें, और ट्राई कर ले कि कुछ हो सकते हैं या नहीं। क्योंकि आपको एक टिपिकल डायलॉग मालूम रहेगा मूवी में, ऐसे व्यक्ति के साथ रहो जो हमें प्यार करता है, ऐसी व्यक्ति के साथ रह के फ़ायदा नहीं जिसको हम प्यार करते हैं लेकिन वो हमको प्यार नहीं करते। तो ये था डिफरेंस आत्मा और शरीर के बीच में।
अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत यूनिक था डेफिनेटली, क्योंकि मैंने आपको मेरे मन से कुछ नहीं बताया, मैंने आपको बताया है जो हमारे आचार्य, हमारे पूर्वज, मेरे गुरु, हमारे शास्त्र जो हमको बताते हैं। और वो फिर भी यूनिक क्यों बनता है? क्योंकि आजकल लोग खुद के मन का ही सब कुछ बताते हैं, और मैं सिंपल एक ही चीज़ कर रहा हूँ, जो हमको हमारे आचार्यों ने दिया है, शास्त्रों ने दिया है, पूर्वजों ने दिया है, उसको एक पोस्टमन की तरह आपके पास कन्वे कर रहा हूँ, खुद का कुछ डाल नहीं रहा। इसके लिए आपको मज़ा आता है मेरे वीडियो देखने के बाद, तो वीडियो को सब्सक्राइब करो। राम कृष्ण।